हेलो दी, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू सेट। दोस्तों, ऐसा सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं, नए नए कंपनी के बारे में बताता हूं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूं। तो आज हम आपको जिस कंपनी के बारे में बताने वाले हैं, ये आपको मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा देती है और साथ ही साथ अदर इंसेंटिव भी आपको ये प्रोवाइड करती है। लोकेशन जो होने वाला है, दिल्ली एनसीआर का लोकेशन होने वाला है। जो कि मैं बात करूं अगर तो दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद का लोकेशन होने वाला है। ये जो बिल्कुल निःशुल्क है, आपको पैसा किसी को भी एक सिक्का नहीं देना है। अगर आप देंगे या देते हैं तो भाई आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। अगर हम बात करें जॉब ओपनिंग एटीएम कैश लोडिंग एग्जीक्यूटिव की, एटीएम में जो कैश डाली जाती है उस कैश को उतारना और चढ़ाने का जो काम है वो आपका रहने वाला है। क्लियर है? इसमें सैलरी क्या होने वाली, इंटरव्यू कैसे होगा? इंटरव्यू नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा, कहाँ के रहने वाले हैं, या फिर कहीं काम किया है नहीं किया, या फिर जो हमारे भाई किसी एटीएम कंपनी में काम कर रखा है उनके लिए काफ़ी ये बेस्ट होने वाला है। एटीएम कैश लोडिंग एग्जीक्यूटिव रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोडिंग कैश इनटू डिजाइंड एटीएम इन योर एरिया, नो सेल नो टारगेट, इंटरव्यू डेट 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। कोई टारगेट नहीं है, कोई सेल्स का वर्क नहीं है कि भाई आप सेल करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, या टारगेट जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी, है ना? ना इसमें टारगेट है और ना इसमें कोई सेल का काम होने वाला। लोकेशन जो होने वाला है दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद का होने वाला है। ये आप देखिए, आपके पास इन क्षेत्रों में एड्रेस प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि एटीएम का काम होता है और पता है आपको पैसे की लेन देन बड़ी सावधानी पूर्वक की जाती है, तो पैसे का लेन देन करने के लिए थोड़ा सा वेरिफिकेशन चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन होना चाहिए और जहाँ आप रहते हो वो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप बाहर से आके किसी के मकान में रहते हो तो वहाँ से रेंट एग्रीमेंट आप बनवा के आप दे देना। सैलरी एंड अदर बेनिफिट क्या होने वाला है, सैलरी और अदर बेनिफिट क्या होने वाला है मैं आपको, देखो मैंने इसको इसलिए नहीं लगाया, अगर इसको लगाता ना भाई तो यहीं पर भीड़ लग जाती, लोग पूछते हैं क्या हो रहा है। हर जगह थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ना, तो वहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं होता। हालांकि अभी मैं बनारस में हूँ हॉस्पिटल में ही, तो यहाँ पे भैया से बात किया हमने, उन्होंने अप्रूवल दिया, भैया कोई नहीं आप बना लो, ठीक है। तो अभी कैंटीन में ही हम बैठे हुए हैं। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें क्या होने वाला है, सैलरी जो होने वाली है आपकी 13,000 से लेकर 14,000 रुपये होगी इन हैंड। साथ ही साथ इसमें दिया जा रहा है आपको पीएफ एन ईएसआई अलग से ₹300, है ना, पीएफ ईएसआई ₹300, गवर्नमेंट लीव बोनस, ठीक है। उसके बाद फ्यूल का आपको 4 किलोमीटर दिया जा रहा है, 1 किलोमीटर चलाओगे तो 4 रुपये मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपका दिया जा रहा है एज ए इंसेंटिव के तौर पे, आपको 300 रुपये। मोबाइल का भी इसमें दिया जा रहा है, 65 रुपये पर ओवर टाइम है, 65 रुपीज़ पर घंटे ओटी है। अगर आप 1 घंटे करते हो तो 65 रुपये, 2 घंटे करते हो तो 130 रुपये मिलता है। तो 14,000 आपके ये है, तो मतलब ये है 18 से 20,000 रुपये आप आराम से इसमें अर्निंग कर सकते हो। ओनली मेल कैंडिडेट, 10th पास एंड एज लिमिट जो है 30 साल होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं है, 12वीं है, या आप ग्रेजुएट भी हो, देखो ग्रेजुएट बंदे नहीं करते, ग्रेजुएट बंदे क्यों नहीं करते, क्योंकि यार उन सोचते हैं हम ग्रेजुएट हैं तो क्या मैं जो पैसे की लोडिंग करूँगा, गाड़ी में बैठ के जाना रहेगा, उसके बाद फिर आपको एटीएम में ठीक से उतरना रहेगा, पैसा डालना रहेगा, फिर उसके बाद से वापस डब्बा लेके फिर ब्रांच में जाना रहेगा, है ना। तो ग्रेजुएशन वाले बंदों को नहीं, बंदे नहीं कर पाते। तो ये जो आपको मैं आपको बता दूँ, वर्क जो डिटेल होने वाला है, पास्ट ऑन योर लोकेशन, आपको पास के एटीएम की लिस्ट मिलेगी जहाँ कैश लोड करना होगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी का होगा आपके नियर बाय, मतलब जहाँ के आप रहने वाले हो, इवन दिल्ली के हो या नोएडा के हो या गाज़ियाबाद के हो या फरीदाबाद के हो, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का आपको लोकेशन दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर प्रॉपर उसी लोकेशन पर रह के ही काम कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आपको वहीं की लिस्ट दी जाएगी कि हाँ भाई आप इतने एटीएम यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे मान लीजिए इतने 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 इस एरिया में, मतलब जिस भी एरिया में, उस एरिया में जितने भी एटीएम रहेंगे उसकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेगा, है ना, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। दिस जॉब इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने लिख रखा है, नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। दोस्त, बस हमारी एक ही पहल है, लोगों को रोज़गार दिलाना। कंडीशन कुछ भी हो, जॉब हमारे चैनल पर आती ही आती है, कुछ भी हो। आप भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति जेन्युइन रहिए, जिससे कि आप भी तरक्की कर सको, आप भी अपने लाइफ में कुछ कर सको, ग्रोथ कर सको। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं
जिनको हमारी वीडियो लगती है कि इसरार भाई बस यूं ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन भाई मैं यूं ही नहीं बनाता। मुझे जब कंपनी बोलती है, मुझे जब कंपनी कहती है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है सर आप बनाइए, तभी मैं बनाता हूँ। ऐसे मैं नहीं, ऐसे मेरे पास कंपनी कहाँ से आएगी सर। तो आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के लिए किसी को पैसा नहीं देना है, सिंपली से आपको कॉल करना है, इंटरव्यू आपका नॉर्मल मैंने बता दिया, एज लास्ट 30 होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन आपको लेकर आना है, सारे डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, रेंट एग्रीमेंट जिस भी आप मकान मालिक के यहाँ रह रहे हो उससे रेंट एग्रीमेंट एक ले लेना, और साथ ही साथ वो उनका एक पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए होता है कि भाई आपका कोई FIR आपके थ्रू तो नहीं है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके कैरेक्टर कैसे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मायने रखती है। तो चलते हैं फिर और जॉब करके देखते हैं इसमें कैसे क्या है। बंदे काफ़ी काम कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारी हिटाची कंपनी में हमने जॉब के बारे में बताया आपको, जो कि हिटाची कंपनी थी, उसमें ATM में वर्क करना होता था, लेकिन इसमें ATM के पैसे को निकालना है, डालना है गाड़ियों में से, और हो सकता है ATM का भी कुछ वर्क किया जाए। लेकिन एक बात तो है, जो ATM लाइन है ना, इसमें पैसा बहुत है, यकीन बता रहा पैसे बहुत है, क्योंकि इसमें देखो अगर आपने सीखा और आपके पास एक्सपीरियंस हो गया और आपको चीज़ें, देखो पैसे की लेन देन है तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कंपनी आपको ही हायर करेगी, फ्रेशर बंदे को थोड़ी ना करेगी कि आप यार फ्रेशर है आप आ जाओ, ऐसे थोड़ी ना करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई, वीडियो पसंद आए एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, लोगों में शेयर कर देना, जिससे कि आपकी वजह से और भी लोगों को रोज़गार मिल सके। और दूसरी बात यह है कि आप सभी लोग दुआ करें, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी अबुक तबीयत ठीक नहीं है, ICU में है अभी, और पूरे 10 दिन से हम यहीं पे पड़े हुए हैं, इनके साथ में ही है और रिलीफ नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, ऊपर वाले को क्या मंजूर है। और जिन जिन भाइयों ने हमारे अब्बा के लिए दुआ किया या हमारे लिए दुआ किया, उन सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि क्या यार आप फैमिली इतना हमारा सपोर्ट कर रही, मुझे पता ही नहीं था। सभी लोग अच्छे से कमेंट करते हैं, कहते हैं इसरार भी जल्दी आपके अब्बा ठीक हो जाए, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, अंदर ही अंदर मुझे खुशी मिलती है कि यार जो मैं कर रहा हूँ लोगों के लिए ना, बहुत सही कर रहा हूँ। जितना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उतना हमारे वो भाई भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप अपने अब्बा के वीडियो बना के भेजिए या वीडियो YouTube पे डालिए, तो देखो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरी क्या किसी का भी ठीक नहीं लग रहा, बीमार आदमी है फिर उनका वीडियो बनाना, फिर बनाना अच्छा नहीं लगता मुझे। चाहता तो मैं वो करके अच्छे खासे व्यूज़ में ले लेता, लेकिन ये ठीक नहीं होता सर। आप लोग बताना कि आज की जॉब कैसी लगी और कौन कौन करना चाहता है, जो जो करना चाहता है कमेंट करके बताएं, और अगर आप किसी और दूसरे कंपनी में भी करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आप बताएं, मुझे कमेंट करें, जिससे हमें पता चल पाए कि आप किस कंपनी में करना चाहते हैं, ताकि मैं उस कंपनी की वीडियो आप सभी के सामने ले आ पाऊँ, जिससे कि मैं बता पाऊँ, HR से बात कर पाऊँ आपके बात पे। जब आप कहोगे नहीं सर हमें इस कंपनी में काम करना है, तो मैं पूछूंगा ना सर हमें इस कंपनी के लिए वैकेंसी है। ऐसे मेरे पास वन बाई जो आती रहती है उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि देखो यार कंपनी ये भी कहती है भाई अगर अच्छी वीडियो आप बनाओगे तो बुरे, जो अच्छे कंपनी की आप वीडियो बनाओगे तो जो कंपनी छोटी मोटी कंपनी है उसकी वीडियो कौन बनाएगा। इसीलिए मैं टोटली बनाता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत अच्छे लोग भी हैं, हमारे चैनल पे कुछ कम पढ़े लिखे भी लोग हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया चीज़ें, ATM कैश लोडिंग एग्जीक्यूटिव का काम होने वाला है, नियर बाई आपके लोकेशन पे जॉब दिया जाएगा, दिल्ली NCR, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद का लोकेशन होने वाला है, सैलरी 13,000 इन हैंड, 14,000, 13,000 से लेकर 14,000 रुपये इन हैंड आपको दिया जाएगा, प्लस 300 रुपये मोबाइल का दिया जाएगा, 65 रुपये प्लस ओवर टाइम दिया जाएगा, और इसमें गवर्नमेंट लीव बोनस भी आपको इसमें दिया जाएगा। अब इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। अगर आप घबरा गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं पहले बोल देता हूँ, अगर आप घबराते हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और नॉर्मली अगर आप बात करते हैं, नॉर्मली आप जाते हैं, कुछ लोग तो इंटरव्यू के नाम से ही पीछे हट जाते हैं। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कमेंट करें, इसरार भाई यार कैसे जॉब करना होता है यार बताओ, या जॉब कैसे मिलती है बताओ सर, जब कहीं चले गए वहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि जॉब ना मिले। भाई साहब डंके की चोट पे अगर आप चले गए ना मेरी वीडियो से तो 100% आपको जॉब मिलना ही मिलना है। लेकिन हाँ, अगर मैं आज बता रहा हूँ और जो डेट बता रहा हूँ उस डेट पर आपको जाना ही जाना है। जैसे इसमें डेट जो है ये इसमें बता देता हूँ आपको, 16 दिसंबर का है, तो 16 दिसंबर से इसमें हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें लड़के लेना स्टार्ट। अब आप आओगे अगले महीने के 16 तारीख को तो कैसे हो पाएगा, 100% फ्री मिलता है साहब और जेन्युइन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई इसरार को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल। नई वीडियो के लिए तो एक बार थोड़ा मैं कैंटीन दिखा दूँगा, कैंटीन दिखाना तो इनको।
कैंटीन दिखाना थोड़ा मैं आपको कैंटीन दिखा देता हूँ, है ना। ये यहाँ की कैंटीन है, हॉस्पिटल का ही कैंटीन है। हालांकि चार्जेबल होता है, चार्ज लगता है, खाना ठीक मिलता है, 40 से 50-60 रुपए में आपको भरपेट खाना यहाँ पे खिलाते हैं। सुबह का नाश्ता आपको 30 से 40 रुपए में करा देते हैं, उतना कॉस्टली यहाँ पे नहीं है, दिल्ली के हिसाब से तो ठीक है।